हेलो गाइस, मेरा नाम है सारांश सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल आर्की व्लॉग्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई आर्किटेक्चर के बाद काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में रजिस्ट्रेशन कैसे करें। सो, हम सबको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इस चीज़ के बारे में। सो विदाउट एनी डिलेज लेट्स गेट स्टार्टेड विद आर टॉपिक। पर बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हेल्प मी ग्रो दिस कम्युनिटी। सो विदाउट एनी डिलेज लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक। पहले आपको जाना है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के वेबसाइट पे। आप COA टाइप करो या फिर काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर टाइप करोगे गूगल पे तो आप डायरेक्टली वो वेबसाइट पे आ जाओगे। एंड देन उसके बाद आपको उस वेबसाइट पे जाना है। आपको लेफ्ट साइड पे दिखेगा ऑनलाइन सर्विसेज। ऑनलाइन सर्विसेज पे आप जैसे ही क्लिक करोगे यू विल फाइंड डिफरेंट ऑप्शंस ऑन योर स्क्रीन। तो पहला ऑप्शन होगा इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म। एंड सेकेंड ऑप्शन होगा आपका रजिस्टर ऑनलाइन। तो फर्स्ट आपको देखना है सारे इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस आप अच्छे से पढ़ लीजिए, भले ही आप पूरा ये वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, पर इंस्ट्रक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि फ़ीस कितनी है, कहाँ पे भेजना है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी सारे इंस्ट्रक्शन पैटर्न्स में। इनफैक्ट आपको जो सबमिशन करना है डॉक्यूमेंट्स के, वो डॉक्यूमेंट्स आपको बस एक कलर प्रिंटआउट ले लीजिए सारे डॉक्यूमेंट्स के एंड सेल्फ अटेस्ट कर दीजिए एंड ऑन द गिवन एड्रेस उसको फॉरवर्ड कर दीजिए। एंड आपका एक ये भी रहेगा कि आपको 4KB का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और सिग्नेचर भी स्कैन करके डालना है। तो वो सब भी मैं बता दूंगा कि कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें। सो लेट्स मूव अहेड। अब जैसे ही आपका ये इंस्ट्रक्शन पढ़ के हो जाए, हाँ, अब जैसे ही आप बैक करेंगे दूसरे ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए रजिस्टर ऑनलाइन। और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे यू विल फाइंड डिफरेंट ऑप्शंस। तो पहला ऑप्शन होगा आपका आर्किटेक्ट जो ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं, तो आप तो नहीं होंगे अभी तक फ़िलहाल। सो आपको वो नहीं क्लिक करना है, आपको जाना है एप्लीकेंट के ऊपर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो पहला ऑप्शन रहेगा आपका ईयर ऑफ एडमिशन। ईयर ऑफ एडमिशन आपको जानना है तो आप अपना फर्स्ट सेमेस्टर का मार्कशीट देख लीजिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से ईयर में आपने एडमिशन लिया था। एनरोलमेंट नंबर आपको नहीं पता है तो सर्च एनरोलमेंट पे आपका ऑप्शन है, अच्छा, उस पर क्लिक कर लीजिए। बेसिक ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, जैसे आपका फर्स्ट नेम होगा, देन आपका होगा सरनेम होगा, देन आपका मिडिल नेम होगा। तो ये सारी चीज़ें आप फिलअप कर दीजिए, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, ईयर ऑफ एडमिशन डाल दीजिए एंड जो कैप्चा आपका मेंशन होता है वो अच्छे से आप फिल कर दीजिए एंड देन डू अ सर्च। और बहुत बार ऐसे केसेस में ऐसा होता है कि आप सर्च करते हैं बट आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता प्रॉपर, तो आपके पास उसके लिए आप फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्या करना चाहिए। तो वरी नॉट, आई हैव अ डिफरेंट मेथड ऑल्सो कि आपका अगर इसमें रिजल्ट में नहीं आ रहा है तो आप और क्या कर सकते हैं। सो आप टेंशन मत लीजिए, जस्ट इसको कैंसिल कर दीजिए एंड देन गो टू द टास्क बार ऑफ द वेबसाइट। जैसे ही आप वेबसाइट के टास्क बार पे जाएंगे तो आपको ऑप्शन आएगा, एनरोलमेंट के ऑप्शन पे आप क्लिक करिए और एनरोलमेंट पे ऑप्शन क्लिक करने के बाद व्यू कंसोलिडेटेड लिस्ट पे आप क्लिक करिए जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। और उसके ऊपर आपको तीन ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो अगर आपने 2010 के बाद एडमिशन लिया है तो आपको सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करना है और एक बड़ी लिस्ट ओपन होगी जो कि 250 पेजेस की होगी अप्रॉक्स, या फिर 270 पेजेस की होगी। सो डू वन थिंग, डाउनलोड दिस लिंक और डाउनलोड दिस PDF। और जैसे ही आप PDF डाउनलोड कर लेंगे ओपन इट इन Adobe Reader। और जैसे ही आप Adobe Reader में ओपन करेंगे इसको, Adobe Reader में एक सर्च का ऑप्शन होता है, डू अ सर्च एंड आपका नाम या फिर डेट ऑफ बर्थ आप उस पर सर्च कर लीजिए तो आपको डायरेक्टली वो रिजल्ट पे लेके चला जाएगा। तो दो तीन बार आप ऐसे रिजल्ट पे सर्च करेंगे तो आपको डेफिनेटली आपका नाम इजीली मिल जाएगा। सो एक बार ये हो गया तो इसके बाद जैसे ही आपको आपका COA नंबर मिल जाता है, एनरोलमेंट नंबर मिल जाता है, तो आप वापस से उस पर चले जाइए अपने मेन स्क्रीन पे, एनरोलमेंट नंबर एंटर कर दीजिए आपके इस पे एंड देन एनरोलमेंट नंबर एंटर करने के बाद आप चेक करिए सेंड OTP। तो आपको एक मेल आ जाएगा, उस मेल में एक OTP होगा, OTP को कॉपी कर लो एंड देन कम बैक टू दिस पेज एंड पेस्ट कर दो, कैप्चा एंटर करो एंड गो अहेड।
जैसे ही आप आगे जाएंगे आपको नेक्स्ट आएगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म का। एंड गाइस, जैसे ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म लोड हो जाता है स्क्रीन पे, गिव इट सम टाइम, एटलीस्ट 5 to 10 minutes, बिकॉज इट टेक्स टाइम टू लोड ऑल योर इन्फॉर्मेशन ऑन इट। जैसे ही आपके इन्फॉर्मेशन आ जाएंगे, आपके बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके अंदर से प्री लोडेड होगी और जो कि आप एडिट नहीं कर सकते ऑन कंप्यूटर, तो आप उसके लिए भी टेंशन मत लेना। आप बाकी जितने भी चीज़ें अवेलेबल है वो सारी चीज़ों को फिलअप कर लीजिए। एंड जैसे ही आप सारी चीज़ों को फिलअप कर लेंगे, आप जो एंड प्रोसेस होता है जो कि है आपका प्रिंटआउट का, तो प्रिंटआउट लेने के बाद आप उसको क्रॉस करके आप नया एड्रेस या फिर नया फ़ोन नंबर, इफ़ यू वांट टू पुट, यू कैन डू दैट एंड क्रॉस सिग्नेचर कर देना है उसके ऊपर। दैट इज़ मैंडेटरी जो क्रॉस सिग्नेचर है। आप एक बार इंस्ट्रक्शन शीट भी आप वापस से पढ़ लीजिएगा फॉर दैट। जैसे ही आप बॉटम में जाएंगे आपको ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट फोटो, सिलेक्ट सिग्नेचर, अपलोड योर प्रोफेशनल सर्टिफिकेट और डिग्री सर्टिफिकेट। सो जस्ट डू वन थिंग, फोटो को इंपोर्ट करिए एंड उसका साइज रिड्यूस करने के बाद अपलोड कर दीजिए। योर फोटो शुडेंट बी मोर देन 4KB एंड योर सिग्नेचर ऑल्सो। प्रोफेशनल सर्टिफिकेट भी अपलोड कर दीजिए। देन उसके नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा कि वॉट ऑल थिंग्स यू आर प्रोवाइडिंग, तो जितने भी चेकबॉक्स है सबको चेक कर लीजिए। उसके जो 7th ऑप्शन है उसमें आपका रहेगा रजिस्ट्रेशन फीस, उसको भी आप चेक कर लीजिए, देन क्लिक ऑन सबमिट। तो गाइज, मैंने ऑलमोस्ट सारे मेजर पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, जस्ट मैंने उसका फ़ी पेमेंट वाला प्रोसेस नहीं कवर किया है, क्योंकि आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू मेक अ DD एंड जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आप पोस्ट करने वाले हैं विद ऑल योर मार्कशीट के कॉपी, जो आपके मार्कशीट के कॉपी होंगे उसको सेल्फ अटेस्ट करके आपको एप्लीकेशन के साथ पोस्ट करना होता है। तो आप उसके साथ साथ आप एक DD बना के पोस्ट कर दीजिए, दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। बिकॉज इनसे जब कोऑर्डिनेट करना होता है, अगर आपका पेमेंट फेल्ड हो गया और आपका पैसा ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है, तो बहुत इश्यूज होते हैं। तो इसके लिए आई वुड सजेस्ट कि DD बना दीजिए एंड एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भेज दीजिए। और आपका जो ये फुल प्रोसेस है, ये होने के लिए कम से कम 1 महीना लगता है। 1 महीने के बाद आपके 10 दिन और पकड़ के चलिए, जिसमें आपको मेल आ जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है एंड आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपके घर पे पोस्ट कर दिया गया है। तो जस्ट वेट एंड यू विल गेट रजिस्टर्ड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड हैव अ गुड डे।